आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अगर सहमत हो तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। रागनी की कोई भी लाइन अच्छी लगे, कोई भी देशभक्ति शेरो शायरी अच्छी लगे तो आप सभी तालियों का आशीर्वाद दे। लेकिन भगत सिंह ने हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ की आंचल को सुहाग नहीं रहा, इस देश में आजादी लाने के लिए किसी बहन का भाई नहीं रहा, इस देश में आजादी लाने के लिए किसी माँ का बेटा नहीं रहा। कितने वीरों ने सीने पे गोली खाई, कितने वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा, जब जाके आजादी आई 732,680 नौजवानों ने बलिदान दिया, जब जाके देश में आजादी आई
और इतने तो लिखित रूप में हैं। ये ऐसे कितने नौजवान हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, देश के लिए जान दी, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। आज भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ, आज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा भारत देश का कि जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी साहब, जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से देश में आजादी आई थी। जवाब दिया कवि ने और लाइनें अच्छी लगे तो पूरे पांडाल में तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी का सुनने के बाद। जवाब दिया और देश में आजादी कैसे आई के हिंसा कर पड़े ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा कर पड़े ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बढ़ता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का गर्व बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता, नहीं होता। आजादी का सहगान नहीं होता। इस देश में आजादी लाने के लिए प्राणों की बाजी लगी है। राजगुरु सुखदेव ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया, हंसते हंसते भगत सिंह के साथ में फांसी के फंदे को चूम गए। क्या बताया दूसरी कड़ी में, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन के साथ दिया। देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन के साथ दिया। तो वो नारा है जय जवान और जय किसान, जय जवानी और जय किसान को, जय जवानी और जय किसान को नारा लगना चाहिए रे, ये चाहिए रे, ये चाहिए रे। नोटो पर भगत सिंह को सरदार सपना चाहिए रे, चाहिए रे। बहुत अच्छे भाई बहुत। सोचा तो सिर्फ भारत माता के बारे में सोचा। जब 6 साल का था भगत सिंह तो बीड़ा उठाया था कि चाहे जान चली जाए चाहे सर कटाना पड़ जाए लेकिन भारत माता को आजाद करा कर रहूंगा, और ऐसा ही किया। क्या बताया तीसरी कड़ी में, दिल दीवाने का डोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला मेरे यार के लिए, हमने रखा पसंद जाना मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का Yeah.
में जाके देश की रक्षा करते करते अपने प्राण नौछावर कर देते हैं। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ प्रेमी श्रोताओं, कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि खास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर, झांसी की रानी लड़कर रजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। देती है, ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहाँ की वीरांगना खाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। वाह, इस देश को महान कहा जाता है। इस देश को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश में वीरों ने जन्म लिया, इस देश में वीरांगनाओं ने जन्म लिया। भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, अंग्रेजों ने कहा भगत सिंह अब भी समय है, माफी मांग ले, हम तुझे माफ कर देंगे। भगत सिंह ने कहा माफी और वो भी मैं तुमसे मांगू। अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेजों ने कहा क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो हंसते हंसते भगत सिंह ने जवाब दिया कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। वाह, जब लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। मैं देश के लिए मर रहा हूं, अरे भारत माता के लिए चाहे मुझे गर्दन कटानी पड़े लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अंतिम कली में किसरा से कवि ने क्या तोड़ किया और कहा, ये देश, ये जो भारत देश है, ये वीरों का देश है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारो, देश के यारो क्या कहना, देश दुनिया का कहना। Oh,
प्यार करता है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे, और अगर कोई पाकिस्तानी है तो उससे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी, उठाएंगे हाथ और भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे ताली बजाकर, बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे। ऐसे नहीं ताली मैं बजवाऊंगी आप पे, उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ और बजानी है ताली अब, और कहना है क्या, नोटा ऊपर सरदार छपरा, नोटा ऊपर भगत सिंह